अगला पॉइंट है हमारा नी कैप फ्री। नी कैप फ्री, नी कैप जो हमने बैक ऑफ नहीं दिया था इसके बाद ही तुरंत बाद ये देना है। जो हमने बैक ऑफ नहीं दिया है उसका इफेक्ट अब यहाँ पर आएगा। उसके लिए पेशेंट को हमने मान लीजिए इनके लेफ्ट पैर पे बैक ऑफ नहीं दिया था, अब नी कैप फ्री करेंगे। अगर ये ऊपर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो कपड़े पे भी दे सकते हैं। इस तरीके से बैठेंगे, पहले 15-16 बार इस तरीके से रब करेंगे। ये पटेला इनका जिसको हम कैप बोलते हैं, नी का कैप बोलते हैं, ठीक है। 15-16 बार रब करेंगे इस तरीके से, 15-16 बार आरी चलाएंगे जैसे हमने वहां चलाई थी आरी सब केबिन में, ऐसी आरी यहां चलाएंगे। मतलब इस कैप को चारों तरफ से फ्री करना है। जब ये फ्री होगा तो घुटने का दर्द ठीक होगा। कई लोगों का ये पटेला बहुत जाम हो जाता है, बिल्कुल भी हिलता नहीं है, और कईयों को तो दिखता भी नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में पहले इस पटेला को हमें मूवमेंट देनी है। इस पटेला के मूवमेंट के बाद ही आपका नी पेन ठीक होगा। तो 15-16 बार इस तरीके से रब करना है, 15-16 बार इस तरीके से रब करना है। थर्ड स्टेप में हाथ को इस तरीके से रखना है या तीन उंगलियों को मिला लीजिए और इस पटेला के चारों तरफ क्लॉकवाइज करना है। इस पटेला के चारों तरफ क्लॉकवाइज करना है, तीन राउंड लगाने हैं। ये पटेला आपका नी कैप जो है वो फ्री हो जाएगा। ये करने के बाद फिर हाथ इस तरीके से रखना, एक अंगूठा इधर और एक अंगूठा इधर। इसकी मूवमेंट देखनी है, कितनी मूवमेंट हो रही है। मतलब ये नीचे प्रेस करेगा, ये ऊपर प्रेस करे तो ये अंगूठा नीचे करेगा, ये इधर प्रेस करे तो ये इधर करेगा। तो इससे इस पटेला की मूवमेंट को फ्री करना है। ये स्टेप करने के बाद में लास्ट में इस तरीके से पकड़ना है और नीचे की तरफ मसल्स को खींचना है। इस तरीके से रखना है हथेली को और नीचे की तरफ खींचना है, फिर रखना है, फिर खींचना है। तो इस तरीके से पहले 15-16 बार इधर रब करना है, 15-16 बार आपको आरी चलानी है, फिर क्लॉकवाइज करना है, फिर ये अंगूठे से मूवमेंट देनी है। उस मूवमेंट के बाद में ये रिलैक्स करना है। तो ये बैक ऑफ नी और नी कैप फ्री हमेशा एक साथ किया जाएगा और इसका इफेक्ट तुरंत ही होगा। हमने पहले बैक की मसल्स को रिलैक्स करा, फिर उसके बाद नी को हमने मूवमेंट दी है, नी के कैप को, नी कैप को मूवमेंट दी है, जिससे कि ये तुरंत आपके इसमें दर्द में फर्क आ जाएगा। तो बैक ऑफ नी और नी कैप फ्री दोनों को एक साथ देना है।